वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है पीके एडिटिंग जोन। तो जैसा गाइज आपको पता है कि IPL स्टार्ट होने वाला है, तो गाइज आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे Instagram पे DM किया है कि भाई यार IPL के ऊपर स्पेशल फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आओ। तो गाइज मैं लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा गाइज आपने थंबनेल में देखा, आज हम कुछ इस प्रकार से पिक्चर एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइज सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नाम है PicsArt। अगर गाइज आपके पास मेरे वाले PicsArt का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइज मेरे Instagram ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पर मुझे DM करके मेरे वाला PicsArt ले सकते हो। तो चले गाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको कुछ इस तरह से अपना बैठ कर एक अच्छा सा पोज देकर अपना एक पिक्चर शूट कर लेना है। और गाइज पिक्चर शूट करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का होना चाहिए, मल्टी कलर का नहीं होना चाहिए, वरना पिक्चर एडिटिंग अच्छे से नहीं होगा। तो फिर गाइज आपको अपने स्मार्टफोन का एक क्रोम ब्राउजर है गाइज, इसको ओपन करना है। गाइज क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है remove.bg, आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। देखिए गाइज मेरा पहले से किया हुआ है तो आगे सिंपली गाइज इसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो देखिए गाइज कुछ इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइज यहाँ से आपने जो भी अपना पिक्चर शूट किया था वो गाइज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए गाइज अपने पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, हमारी पिक्चर यहाँ पर अपलोड होगी और अपने पिक्चर का यहाँ पर PNG इमेज है जो बनकर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको अपना PNG इमेज बनाना था है तो अच्छी बात नहीं गाइज, आप इस वेबसाइट से अपना एक क्लियर HD PNG इमेज बना सकते हो। तो फिर गाइज हमारा इमेज आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी पिक्चर को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो पिक्चर डाउनलोड हो जाने के बाद गाइज आपको सिंपली बैक आना है, फुल बैक आना है और गाइज PicsArt ओपन कर लेना है। तो देखिए गाइज PicsArt ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर देखिए आपको ऑल फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइज मैं यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड और PNG का यूज़ करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए गाइज बैकग्राउंड आ जाने के बाद सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन का ये रोटेशन आपको ऑन करना है और कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल को यहाँ पर टेढ़ा कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें इमेज एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए जो साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसी में से गाइज आपको यहाँ पर देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइज आपको अपनी टीम का जो भी लोगो आपको लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो मैं गाइज यहाँ पर CSK का लोगो लगा रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो देखिए गाइज हमारी टीम का यहाँ पर लोगो आ जाने के बाद इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम करना है और गाइज ये थोड़ा बड़ा है तो इसको गाइज आपको क्रॉप कर लेना है सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर, और गाइज ओके कर देना है। तो फिर गाइज आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद गाइज आपको इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर देना है और फिर गाइज इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज एक और इरेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको इस पर फिर से क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर लेना है। हार्डनेस को आपको कम कर देना है, साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और गाइज ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। तो गाइज आपको अच्छे सेटिंग कर लेने के बाद गाइज आपको फिर से इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज अपनी पिक्चर को कुछ इस तरह से जूम करना है और गाइज यहाँ से यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपली गाइज आपको यहाँ पर अपनी टीम का लोगो है वो छोड़कर बाकी सबको यहाँ से इरेज कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा यहाँ पर कलर आ रहा है इसको आपको इरेज कर लेना है। तो देखिए गाइज अच्छे से इरेज कर लेने के बाद गाइज आपको एक बार यहाँ पर राइट के निशान पर टिक कर देना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका ओपेसिटी है फिर से हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। और फिर गाइज आपको यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करना है और गाइज आपको यहाँ पर देखिए ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है और स्क्रीन पर टैप कर देना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। बस एक प्लेयर का PNG इमेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो गाइज ऐड कर लेते हैं। और इसको गाइज थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम करके इस तरह से आपको इसको सेट कर लेना है। तो अच्छे सेट कर लेने के बाद गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करना है और गाइज ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज इसको आपको यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई पर टिक कर देना है और स्क्रीन पर टैप कर देना है। तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइज आपने उस वेबसाइट से अपना PNG इमेज डाउनलोड किया था वो गाइज आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना PNG इमेज और थोड़ा सा जूम कर लेना है और अपने हिसाब से गाइज आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इसके बाद गाइज आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से गाइज ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज मेरे पास एक शैडो का PNG इमेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो गाइज ऐड कर लेते हैं।
और यहाँ पर देखिए गाइस, आपको यहाँ अपने पैर के नीचे कुछ इस तरह से आपको इसको सेट कर लेना है और इसका ओपेसिटी कुछ इस तरह से कम कर देना है। तो इसके बाद गाइस आपको इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गाइस ये जो देखिए लाइन आ रही है इसको आपको यहाँ से सिंपली इरेज कर देना है। जो यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर के लाइन आ रही है तो इसको आपको सिंपली इरेज कर देना है और गाइस राइट के निशान पर टिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस मेरे पास एक हेलमेट का पीएनजी इमेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वो ऐड कर लेते हैं और इस तरह से आपको इसको छोटा करना है और यहाँ पर गाइस आपको इसको सेट कर लेना है और गाइस स्क्रीन पर टैप कर देना है। फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस मेरे पास एक बॉल का पीएनजी इमेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी ऐड कर लेते हैं गाइस सिंपली, और कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसका जूम आउट कम करना है और इस साइड में आपको इसको सेट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और गाइस राइट के निशान पर टिक कर देना है। तो गाइस देखिए हमारा इमेज एडिट हो चुका है। तो अब गाइस इसमें थोड़ा आपको यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर देखिए मैं प्रीमियम वर्जन में सभी इफेक्ट्स यहाँ पर देखिए फ्री है, आप कौन सा भी लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं एक बार ये वाला इफेक्ट है जो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आप यहाँ पर कोई सा भी अपने हिसाब से इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो चलिए गाइस इफेक्ट ऐड करने के बाद आपको सिंपली राइट के निशान पर टिक कर देना है। तो गाइस अब देख सकते हो हमारा फोटो कितना मस्त एडिट हो चुका है। तो अब गाइस इसे गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देखिए एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है गैलरी का, इस पर आपको सिंपली टिक कर देना, हमारा इमेज जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और गाइस जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।